सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आप सब के लिए फिर से एक बार एक न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूं, जो कि गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर देख ही लिया होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जिस तरीके का वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ फ्रेंड्स, आप सबसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई जरूर करूँगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास BN एप्लीकेशन नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता होगा प्लस का आइकन, तो आपको उस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और गाइस आपका गैलरी इस तरीके से आपका ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको अपना 11 फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने 11 फोटो को यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने 11 फोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल का आइकन, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्लाइड करके इस तरह पाना होगा, एक आपको रेशियो मिलेगा 9:16 वाला, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्रीन पर आप कहीं भी टच कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के एंड पार्ट माना होगा, और इस जगह पर आपको इस एप्लीकेशन का वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाटरमार्क वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपका कोई इमेज स्क्रीन पर सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से 2 fingers आप जूम करके एडजस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद गाइस आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो का जो गाइस साउंड है इस तरीके से आपका एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएगा, और आपको साउंड के चॉइस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है म्यूजिक बीट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना साउंड को ओपन करके देख लेना है कि आपके साउंड पर किस किस जगह पर बीट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले सुन के यहाँ पर रखा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुन लेना है, और अगर आपको सही तरीके से अपने बीट के हिसाब से आपको टिक मार्क ऐड करना होगा। तो सबसे पहला बीट गाइस हमारा कुछ इस जगह पर आता है, तो आपको इस जगह पर आना है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इस रेड फ्लैग वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है, तो आपका टिक मार्क ऐड हो जाएगा। फिर गाइस हमारा कुछ इस जगह पर एक है, तो हम यहाँ पर टिक मार्क ऐड करते हैं। एंड गाइस इस जगह पर हमारा बीट है, फिर गाइस इस जगह पर बीट है, तो आपको अपने साउंड को सुन लेना है। एंड आपको अपने साउंड के हिसाब से आपको टिक मार्क ऐड करना है अपने बीट के हिसाब से। तो गाइस मैं पहले सुन के यहाँ पर रखा हूँ, तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मेरा इतना टिक मार्क था तो मैंने ऐड कर लिया अपने बीट के हिसाब से। फिर आपको साइन पर टिक करना है, फिर से आपको साइन पर टिक कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरीके से आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो को आप 2 fingers ऑफ जूम कर लीजिएगा इस तरीके से। और जूम करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने साउंड के बीट के हिसाब से अपने सभी इमेज के लेंथ को छोटा करना है। तो हमारा गाइड बीट हमारा कुछ इस जगह पर आता है, सबसे पहले अपने इमेज के लेंथ को हम छोटा कर लेते हैं। तो इस जगह पर गाइस हमारा सबसे पहला बीट है, तो आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करके से लेंथ को आप छोटा कर लीजिएगा अपने साउंड के बीट के हिसाब से। और इसे भी फ्रेंड्स हम छोटा कर लेते हैं, तो आपको अपने साउंड के बीट के हिसाब से अपने सभी इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना है इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स मैंने अपने सभी इमेज को अपने साउंड के बीट के यहाँ से छोटा कर लिया इस तरीके से और एडजस्टमेंट कर लिया है। तो आपको भी इतना कर लेना है, आपको अपने साउंड के बीट के हिसाब से अपने सभी इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड आपको स्टार्टिंग वाले इमेज के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड करके इस तरह पाना होगा, नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम का, गाइस आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जूम इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस तरीके से, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स का, तो आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको इस इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। क्या करना होगा, आपका जितना भी इमेज है उन सभी इमेज पर आपको एनिमेशन ऐड करना है, तो आपको फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी इफेक्ट आपको ऐड करना है आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगता है। तो गाइस मैं यहाँ से इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ जिटर लेफ्ट को, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस मैं सभी इमेज पर इसी को ऐड कर लेता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से ऐड आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सभी इमेज पर अपने इफेक्ट को ऐड कर लिया इस तरीके से और गाइस हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।